हेलो दोस्तों, लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त ईशान आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो और एक नया लैपटॉप के साथ। आज हम आए हैं एचपी का विक्टस लेके। जी हाँ, विक्टस बहुत लॉन्च किए हैं एचपी ने, लेकिन आज बिल्कुल डिफरेंट है। अभी तक हम देखते आ रहे थे 1650 ग्राफिक्स के साथ, 3050 के साथ, 3050 Ti या 4060 के साथ। जी हाँ, लेकिन एचपी ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है अपना एक नया वर्जन RTX 2050 के साथ। जी हाँ, अभी तक विक्टस के अंदर 2050 ग्राफिक्स के साथ कोई भी नहीं आया था। ये पहला लैपटॉप है जो मैं आपके लिए लेके आया हूं आज। ये है विक्टस FB1002AX। जी हाँ, ये अगर मैं बात करूं तो Ryzen 5 7000 सीरीज के साथ है। HS प्रोसेसर है ये, 8GB रैम है, 512GB SSD और सबसे जो इसमें दिलचस्प है, जो मुझे लगा विक्टस में अभी तक मैंने नहीं देखा था, 4GB का RTX 2050 और प्राइस भी बहुत अट्रैक्टिव है। वो भी शेयर करेंगे, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत में हम प्राइस जरूर शेयर करते हैं जो भी आपको मार्केट में अवेलेबल होता है इसका प्राइस। तो दोस्तों, आज हम इस लैपटॉप को अनबॉक्स करेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस लैपटॉप को भी हम बैक पैनल ओपन करके आपको दिखाएंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और करते हैं लैपटॉप को अनबॉक्स। अनबॉक्स करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, एचपी ने इसके साथ एक मॉडल और लॉन्च किया है। ये दोनों मॉडल एक ही साथ लॉन्च हुए थे, 1001AS और 1002AX। ये जो हमने है वो लेके आए हैं, वो 1002AX है और 1001AX भी मॉडल है। जैसे ये परफॉर्मेंस ब्लू कलर के अंदर आता है, वो माइका सिल्वर कलर में है और दो डिफरेंस हो रहे हैं, टोटल मिला के 3 डिफरेंस है दोनों लैपटॉप में। इसलिए आज हम एक ही लैपटॉप लेके आए हैं ओपन करने के लिए। सबसे पहला जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो है स्क्रीन का, जो हमारे पास है उसका 60Hz की स्क्रीन है और जो 1001AX है उसकी 144Hz का रिफ्रेश रेट है। एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं आ रहा। जो दूसरा लैपटॉप अभी हमारे पास नहीं है वो 1001AX, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है। ये परफॉर्मेंस ब्लू कलर के साथ है, वो माइका सिल्वर कलर के साथ है। सिर्फ यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। जब स्क्रीन का डिफरेंस आएगा तो हम आपको दिखा देंगे कि उसमें दोनों में स्क्रीन का एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, करते हैं। तो दोस्तों, लैपटॉप हमने अनबॉक्स कर दिया है। कई हमारे व्यूअर्स कहते हैं कि आप लैपटॉप अनबॉक्स करते हो, वीडियो ज्यादा लंबी ना बने, इसलिए हम सीधा अनबॉक्स का ही आपको दिखाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। प्रीमियम पावर कोड जो हर लैपटॉप के साथ आती है, एक मैनुअल है जो इसी में हमने नहीं निकाला है। ये 150 वाट का पावर एडेप्टर, गेमिंग लैपटॉप है तो 65 या 90 वाट का एडेप्टर नहीं चलेगा। 150 वाट का एडेप्टर विद राउंड पिन के साथ, टाइप सी नहीं है। तो जी हाँ, ये है परफॉर्मेंस ब्लू कलर के अंदर हमारा विक्टस लैपटॉप। जी हाँ, अगर मैं इसकी बॉडी देख रहा हूं तो ये जो भी विक्टस लैपटॉप है उन्हीं के जैसी है। अगर आप लोगों को जो बहुत फैमिलियर नहीं है गेमिंग लैपटॉप से, मैं आपको बता दूं कि गेमिंग लैपटॉप हमेशा थोड़े जो उनकी थिकनेस होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, थोड़े से हैवी होते हैं वेट के अंदर। हमेशा आपको मोर देन 2 kg के आपको ये लैपटॉप मिलेंगे जो भी गेमिंग लैपटॉप होते हैं। इसका बैक पैनल आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा वेंट आपको बैक पैनल में मिलता है। इसका रीजन होता है इनमें 2 फैन लगे हुए होते हैं, इस लैपटॉप में भी 2 फैन लगे हुए होंगे 100%। अभी हम लैपटॉप का बैक पैनल आपको खोल के दिखाएंगे, उसके अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं वो आपको सब शेयर करेंगे। तो देखिए, पोर्ट्स वगैरह तो ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ज्यादा नहीं है। पोर्ट्स भी पड़ेंगे, RJ45 कनेक्टर सब है इसके अंदर, ठीक है। बड़ी ही अच्छी क्वालिटी के अंदर, अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आपको ये लैपटॉप मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, करते हैं लैपटॉप को स्टार्ट। अगर मैं एक हाथ से ओपन करने की बात करूं तो एक हाथ से ओपन हो गया, हल्का सा नीचे का जो पैनल था वो थोड़ा सा अप हुआ था, लेकिन ओपन हो गया है। अभी फर्स्ट टाइम इसे बूट करने में 10 से 15 मिनट लगेंगे, इतने आपको पोर्ट्स दिखाते हैं, उसके बाद देखेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन। लैपटॉप की राइट साइड में बात करेंगे तो जो सबसे पहला पोर्ट है वो है चार्जिंग का, लैपटॉप को चार्ज करने के लिए। उसके बाद आपको मिलता है एक USB टाइप ए 5GBPS सिग्नल रेट के साथ और 3.5mm का ऑडियो जैक। और उसके बाद आपको एक पोर्ट और दिखाई दे रहा है जो है कार्ड रीडर के लिए, आपके मेमोरी कार्ड रीडर, जिससे आप मेमोरी कार्ड रीड कर सकते हैं। अगर हम लैपटॉप के लेफ्ट साइड में देखते हैं तो सबसे पहला पोर्ट आपको दिखाई देता है वो है HDMI 2.1, जिससे आप अपने प्रोजेक्टर या LED भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको पोर्ट दिखाई दे रहा है वो USB टाइप ए है 5GBPS सिग्नलिंग रेट के साथ। उसके साथ आपको पोर्ट मिलता है RJ45 कनेक्टर। जैसे कि आपको बताया ये गेमिंग लैपटॉप है, तो जो केबल लगा के
गेमिंग होती है उसकी इंटरनेट की स्पीड काफी फास्ट आती है, इसलिए हमेशा गेमिंग लैपटॉप्स में आपको RJ45 कनेक्टर मिलता है। उसके साथ आपको एक पोर्ट दिखाई दे रहा है, वो है टाइप सी 5 Gbps सिग्नलिंग रेट के साथ। अगर हम कीबोर्ड की बात करेंगे तो इसमें आपको 15.6 इंच के अंदर फुल साइज बैकलिट कीबोर्ड मिलता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सबसे पहले बात करेंगे प्रोसेसर की, AMD Ryzen 5 है, 7535HS प्रोसेसर है विद रेडियन ग्राफिक्स के साथ। देखिए Ryzen 5 7000 सीरीज में हम इसे काउंट करते हैं। अगर इसकी बेस स्पीड की बात करेंगे तो 3.3 गीगाहर्ट्ज़ इसकी बेस स्पीड है और टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ प्रोसेसर आता है, बूस्ट अप ओके ये जाता है 4.55 गीगाहर्ट्ज़ तक। 6 कोर का प्रोसेसर है, 6 के 6 कोर परफॉर्मेंस कोर है। मैं आपको बता दूं कई बार आप देखा होगा इंटेल में 10 कोर का प्रोसेसर आ रहा है आज के डेट में, i5 13 जनरेशन में 1335U प्रोसेसर, लेकिन उसके जो एफिशिएंट कोर होते हैं वो 8 होते हैं, परफॉर्मेंस कोर सिर्फ 2 होते हैं और AMD के अंदर 6 के 6 आपको परफॉर्मेंस कोर मिलते हैं। लॉजिकल प्रोसेसर 12 है और L3 कैशे आपकी 16 MB है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये प्रोसेसर 6 नैनोमीटर का है और अगर आप TDP की बात करेंगे तो वो 35-54 W की इस प्रोसेसर की TDP है। रैम मुझे देख के अच्छा लगा, HP ने इसके अंदर 4800 MHz की DDR5 रैम दी है। मैं थक गया था DDR4 रैम्स को अनबॉक्स करते करते। हमने पहले भी एक वीडियो आपने देखा था, अभी पवेलियन लॉन्च किया था 1 TB के साथ, वो भी वीडियो में आपने देखा होगा, वो भी 32 MHz DDR4 की थी। मेरे को तो ऐसा लगता जा रहा था कि कंपनियां अपग्रेड करेंगी ही नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि ये बहुत महंगा लैपटॉप नहीं है, स्टार्टिंग रेंज है और आपको DDR5 रैम मिलती है। मैं इसके लिए HP को 100 में से 100 नंबर दूंगा। स्लॉट यूज एक है, 2 स्लॉट है और आपको एक मिलता है इसमें यूज्ड है। अगर आप अपग्रेड करना चाहें तो आप इजीली अपग्रेड कर सकते हैं, 8 GB रैम है, आप एक 8 GB की DDR5 रैम लगा लीजिए और आपकी रैम अपग्रेड हो जाएगी। अगर हम डिस्क की बात करते हैं तो WD 512 GB आपको SSD इसमें मिलती है, जिसकी कैपेसिटी आपको 477 GB की होती है। Wi-Fi की बात करें, Wi-Fi 6 है, Bluetooth 5.3 आपको मिलता है। आजकल नॉर्मली सभी में, मैं ये भी कह रहा हूँ, तो Wi-Fi भी अपग्रेड करना चाहिए कि अड़ोसी पड़ोसियों का भी Wi-Fi पकड़ ले, क्योंकि Wi-Fi 6 काफी टाइम से चला आ रहा है। ग्राफिक्स GPU, देखिए इस लैपटॉप का जो मैंने आपको कहा विक्टस के अंदर मैंने अभी तक नहीं देखा था, ये पहला लैपटॉप जो है HP ने लॉन्च किया है विक्टस में, NVIDIA GeForce RTX 2050, क्योंकि मैं इसमें भी 1650 देखते देखते तंग आ चुका था, NVIDIA GTX 1650 GTX 1650, लेकिन RTX 1650 वो भी इतने अच्छे प्राइसेस के अंदर। 4 GB का डेडिकेटेड प्रोसेसर है, ग्राफिक्स है इसके अंदर, और अगर शेड की बात करें तो 3.6 है, टोटल 7.6 हो जाता है, लेकिन हम नॉर्मली डेडिकेटेड ग्राफिक्स को ही देखते हैं। एक और है AMD का प्रोसेसर है, तो मेरे को पर्सनली बड़े अच्छे लगते हैं AMD के प्रोसेसर, क्योंकि AMD अपने प्रोसेसर के साथ आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स मेमोरी भी देता है जो इंटेल में आपको देखने को नहीं मिलती है। इसमें आप देख रहे होंगे AMD Radeon ग्राफिक्स आपको दिखाई दे रहा है, डेडिकेटेड GPU आपको 512 MB का मिल रहा है। देखिए प्रोसेसर के अंदर भी 512 MB का ग्राफिक्स और डेडिकेटेड ग्राफिक्स दोनों मिलकर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आपको देते हैं। ये जो अभी आप कॉन्फ़िगरेशन की वॉइस सुन रहे थे, हमने इसी लैपटॉप के माइक से रिकॉर्ड की थी, जिससे आपको ये पता चल जाए इसके माइक की क्वालिटी कैसी है। देखिए अगर डिस्प्ले की हम बात करते हैं तो मैं पहले आपको बताता हूँ FV1001AX में जो डिस्प्ले आता है वो है 15.6 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले, माइक्रो एज है, IPS है, एंटी ग्लेयर है। उसकी अगर ब्राइटनेस की बात करेंगे तो 250 nits की ब्राइटनेस है, 141 PPI का है। कलर गोमेंट की बात करेंगे तो 45% NDSC आपको मिलता है। रिजोल्यूशन की बात करेंगे स्क्रीन रिजोल्यूशन की तो 1920x1080, और जो इसके अंदर मेन है डिफरेंस वो मैंने आपको लास्ट में इसीलिए लिया कि आपको डिफरेंस पता चल जाए, इसके अंदर 144Hz की स्क्रीन है और 9ms का रिस्पांस टाइम्स आपको इसकी स्क्रीन में मिलता है। अब हम बात करते हैं जो लैपटॉप हमारा खुला हुआ है उसकी स्क्रीन के बारे में, FB1002X की अब मैं स्क्रीन बता रहा हूं, वो है 15.6 इंचेस फुल HD IPS माइक्रो एज एंटी ग्लेयर, ब्राइटनेस उसकी 250 nits है, 141 PPI है। कलर गोमेंट की बात करेंगे तो 45% NTSC है। स्क्रीन रेजोल्यूशन भी सेम है 1920x1080, सिर्फ और सिर्फ जो दो ही डिफरेंस है, 1001 में आपको 144Hz की स्क्रीन मिलती है और 9ms रिस्पांस टाइम मिलता है, लेकिन आपको 1002 में आपको 60Hz की स्क्रीन मिलती है। तो ये मेजर डिफरेंस आपको इसमें दोनों में देखने को मिलता है। कैमरे की बात करेंगे तो वाइड विजन 720p HD कैमरा आपको मिलता है विद टेम्परल नॉइस रिडक्शन के साथ, और डुअल एयर डिजिटल माइक्रोफोन होते हैं इसमें इंटीग्रेटेड, दोनों ही
मॉडल्स के अंदर सेम है कैमरे की क्वालिटी। तो चलिए दोस्तों लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं इसके अंदर के पार्ट्स। तो दोस्तों लैपटॉप हमारा ओपन हो गया है। एक तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा जैसा वीडियो में जितना इजी दिखता है खोलना उतना इजी नहीं होता है। हम मोस्टली जब हम इसके लॉक्स ओपन करने होते हैं वो हम पार्ट होता है वो हम हटा देते हैं वीडियो में से, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर हम पूरे लैपटॉप को प्रॉपर ओपन करते हुए दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं लैपटॉप में कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए दोस्तों आपको दिखाई दे रहे होंगे दो फैन, जैसे कि मैंने आपको बताया गेमिंग लैपटॉप है तो यहाँ आपका ग्राफिक्स और प्रोसेसर लगा हुआ है, दोनों हीट सिंक के थ्रू कनेक्टेड है फैन के साथ, क्योंकि ग्राफिक्स भी आपका हीट करता है और प्रोसेसर भी आपका हीट करता है, इसीलिए दोनों के लिए अलग अलग फैन यहाँ पे यूज हुए हुए हैं, कनेक्टेड वो एक ही हीट सिंक के थ्रू है। आप बात करेंगे SSD की, ये हमारी WD की SSD लगी हुई है 512, जिसको आप अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपको ये रिमूव करनी पड़ेगी तभी आप अपग्रेड कर पाएंगे, हमें कोई दूसरा स्लॉट इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम रैम की बात करेंगे, रैम कवर कर रखी है उन्होंने, हम इसका घूंघट हटा देते हैं। यहां देखिए, यहां आपको रैम दिखाई दे रही है, 8GB की रैम है DDR5, एक यहां पे स्लॉट खाली है, आपको अगर लगानी है तो यहां पे रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं, रैम इजीली एक्सटेंड हो जाएगी। इसकी सबसे बड़ी खास बात यही है कि आपको कोई भी रैम रिमूव नहीं करनी पड़ेगी। यहां हमारा वाईफाई लगा हुआ है और ये हमारी है बैटरी, 3 सेल की बैटरी आपको इसमें मिलती है 52.5 वर्क आवर्स के साथ। यहां हम देख सकते हैं हमारे स्पीकर्स लगे हुए हैं लैपटॉप के। तो दोस्तों आज हमने अनबॉक्स किया है HP Victus Gaming Laptop 15FB1002AX। जैसे कि हमने देखा इसमें Ryzen 5 7000 प्रोसेसर है, 8GB रैम है, और आपने जब हमने आपको बैक पैनल खोल के देखा आपने देखा रैम की अपग्रेड इसमें हो सकती है, 16GB रैम आप इजीली अपग्रेड कर सकते हैं, 512GB SSD आपने देखी इसमें, और RTX 2050 ग्राफिक्स आपने इसमें देखा। अगर हम बात करेंगे वर्किंग की, देखिए आप इसमें एडिटिंग करना चाहें तो आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, 1650 से ज्यादा हैवी ग्राफिक्स है RTX, आप इसमें प्रोग्रामिंग करना चाहें, आप इसके अंदर गेमिंग करना चाहें, आप इसमें बहुत कुछ इसके अंदर कर सकते हैं। देखिए इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो कंपनी ने रखा है सिर्फ एक डिस्प्ले का रह गया, इसमें आपको 144Hz का डिस्प्ले नहीं मिलता है, जो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि HP ने दो लैपटॉप लॉन्च करे हैं, एक 1001X और 1002 1001X और 1002X, 1001X के अंदर आपको 144Hz का डिस्प्ले मिलता है और उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी आता है और इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी आपको नहीं मिलेगा। यही दो डिफरेंस है जो HP ने अपने इन दोनों लैपटॉप के अंदर रखे हैं और डिफरेंस बहुत ज्यादा प्राइसेस का नहीं रखा। अगर आपको लगता है कि आपने गेमिंग करनी है तो आप 1002X को ना लेके 1001X को चूज करिएगा, क्योंकि आपको उसमें 144Hz की स्क्रीन मिल जाएगी। अगर आपको ये लगता है कि नहीं हमें गेमिंग नहीं करनी, हमें कोरल फोटोशॉप या हमें एडिटिंग करनी है, तो आप इस लैपटॉप को चूज कर सकते हैं, उसके लिए ये लैपटॉप परफेक्ट है। देखिए प्राइस रेंज की बात करेंगे तो कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 65,000 का ये लैपटॉप लॉन्च किया है, और अगर आप दूसरा लैपटॉप देखते हैं 1001X वो अप्रोक्सीमेटली 3 या 4 हजार का आपको डिफरेंस इसमें देखने को मिल जाएगा। दोनों ही लैपटॉप जो है आपको 1 ईयर वारंटी के साथ कंपनी देती है, और अगर आप एक्सटेंड कराना चाहें तो आप एक्सटेंड करा सकते हैं, कंपनी टाइम टू टाइम ऑफर्स देती रहती है। जैसे अभी पीछे गया है वो इंडिपेंडेंस ऑफर चल रहा था, उससे पहले बैक टू कॉलेज ऑफर चल रहा था, अब दिवाली आने वाली है, अब दिवाली पे भी ऑफर आएगा। देखिए विक्टस लैपटॉप है, मैं आपको हमेशा यही प्रेफर करता हूँ, अगर आपके एरिया के अंदर ओमेन प्लेग्राउंड है या आपके आसपास ओमेन प्लेग्राउंड है, आप ओमेन प्लेग्राउंड सर्च करिएगा। HP ने अभी नए अपने स्टोर्स ओपन करे हैं, अपने ओमेन प्लेग्राउंड पे जाके जरूर ये लैपटॉप देखिएगा, क्योंकि विक्टस और ओमेन में वहां पे अलग से सपोर्ट मिलती है, अलग से आपको वहां पे ऑफर्स भी मिलती है। पीछे HyperX के हेडफोन की ऑफर चल रही थी जो विक्टस के साथ या तो फ्री में या बहुत ही नॉर्मल प्राइस में आपको मिल रहा था। कंपनी इसके साथ एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन की भी ऑप्शन देती है, अगर आपको एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन लेना हो, आपको लगता है कि आपके घर में छोटे बच्चे भी हो लैपटॉप को तोड़ सकते हैं, तो आप वो भी जब HP वर्ल्ड पे जाएं या ओमेन प्लेग्राउंड पे जाएं तो आप वहां पे उनसे जरूर पूछिएगा, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में HP आपको 3 साल का एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन भी देता है। और हाँ, कभी भी आप एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन हो या एक्सटेंडेड वारंटी हो, कभी भी थर्ड पार्टी की बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं मिलेगी, जो भी आपका पैसा होगा वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा,
कभी भी आप वारंटी लें या तो एचपी की वेबसाइट से लैपटॉप को खरीदिएगा, आपको वहां मिल जाएगी, या फिर एचपी के स्टोर से जो एचपी वर्ल्ड या ओमेन प्लेग्राउंड से ही आप वारंटी एक्सटेंड करवाइएगा और कहीं से भी मत करवाइएगा। अभी भी कोई पॉइंट्स कवर करना रह गया तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करते हैं हर आपके क्वेश्चन का आंसर दें और हर आपकी जो प्रॉब्लम को उसे सॉल्व करने की हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं। और हाँ, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, आगे भी हम ऐसी धमाकेदार वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। और हमेशा हम यही कोशिश करते हैं, कोशिश क्या, अभी तक हम जितने भी लैपटॉप अनबॉक्स किए, शुरू किए, अगर हम दो तीन वीडियो छोड़ दें, हमने सबका बैक पैनल ओपन करा है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लैपटॉप की अपग्रेडेशन, लैपटॉप में क्या क्या है नहीं आपको सब मिलेगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में फिर एक नए लैपटॉप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।